इस समय की सबसे बड़ी खबर जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से जम्मू के सुजवा से आप तक साझा कर रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पर जो इस समय यहां पर बुलडोजर है वो यहां पर चलाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, एक बड़ी कार्रवाई इस समय यहां पर की जा रही है और एक घर को इस समय यहां पर गिराया जा रहा है। जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से लाइव तस्वीरें इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जम्मू के बठिंडी सुजवा से आप तक साझा कर रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई इस समय यहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यहां पर देखने को मिल रही है। कई सारे जो पीले पंजे हैं वो यहां पर लाए गए हैं और साथ साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम और पुलिस इस समय यहां पर मौके पर है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी ड्राइव इस समय यहां पर चल रही है और पूरे तरीके से इस घर की इस समय यहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये घर जो है फॉरेस्ट लैंड पर जो है यहां पर बनाया गया और जिसके बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस भी यहां पर सर्व किया गया था, लेकिन उसके बाद मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा और अब देखने वाली बात है कि कोर्ट की तरफ से जो है इस पर क्या कुछ फैसला रहेगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे घर को इस समय यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती हुई। इस समय का सबसे बड़ा अपडेट सिर्फ जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई इस समय यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से देखने को मिलती है यहाँ पर और किस तरह से तोड़फोड़ यहाँ पर देखने को मिला। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुकी है और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है ताकि आज की इस ड्राइव का जो मकसद है उसे पूरा किया जाए। जम्मू के बठिंडी सुजवा से समय का बड़ा अपडेट आप तक साझा करते हुए। ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस घर को इस समय यहाँ पर गिराया जा रहा है। ये इस समय का जो बड़ा अपडेट है वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। जम्मू के सुजवा बठिंडी इलाके की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुलडोजर है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है। पुलिस के हवाले से बात करें, पुलिस पोस्ट चाटा के इंचार्ज विक्रम नहास जी और उनकी पूरी टीम और साथ साथ शंगनी थाने के थानेदार इंस्पेक्टर शरीक जी अपनी टीम के साथ इस समय यहाँ पर आए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी अपनी राय भी इस पर जरूर साझा करें। जम्मू में एक बार फिर से बुलडोजर बाबा ने अपनी दस्तक दे दिया है और पहली कार्रवाई इस समय जम्मू के बठिंडी में सुजवा इलाके में यहाँ पर देखने को मिल रही है। जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ये एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है और जो बुलडोजर है वो इस समय यहां पर चलाया जा रहा है। हालांकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में अपील जो की गई थी ट्रिब्यूनल कोर्ट में, वहां पर अपील को डिसमिस किया गया है जिसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम इस समय यहां पर हरकत में है। जम्मू के सुजवा इलाके में इस समय यहां पर एक जो बड़ी डिमोलिशन ड्राइव है वो यहाँ पर यहाँ पर चल रही है। यहाँ पे मौजूद है इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं घर को जो है डिमोलिश किया जा रहा है और आपको पता है यहाँ पे फिलहाल आपको।
कि जिनका घर है उन्हें फिलहाल यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया गया है और उसके बाद बुलडोजर इस समय यहाँ पर चलाया जा रहा है। जम्मू के सुजवा जलालाबाद से समय की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे तरीके से इस घर को तोड़ने का काम इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। एक बड़ी जो डिमोलिशन ड्राइव है, डिमोलिशन ड्राइव इस समय यहाँ पर चल रही है और देख सकते हैं कि बुलडोजर इस समय यहाँ पर किस तरह से काम करने में यहाँ पर लगा हुआ है। एक नहीं बल्कि दो जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं ताकि किसी भी तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह का असर ना पड़े। अगर आप भी सरकारी जमीन पर या फिर बिना रजिस्टर की गई जमीन पर अगर इस तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जनाब एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हालांकि मामला जो है वो दो पार्टीज के बीच है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है और उसके बाद ही अभी फिलहाल पहली जो अपील है उसे डिसमिस किया गया है, लेकिन दोबारा से हाई कोर्ट के अंदर ये अपील की गई है जिसके बाद जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस भी दिया गया था, लेकिन जिसके बाद ये जो है वो यहाँ पर आज टीमें पहुंची हैं और देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस घर को यहाँ पर इस समय गिराने की कोशिश की जा रही है। तो इस वीडियो को लेकर आप लोग जरूर अपनी अपनी राय साझा करें और जरूर इस खबर को शेयर करें। जम्मू के बठिंडी सुजवा के जलालाबाद इलाके से ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। खुद जो पुलिस पोस्ट चाटा के इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर विक्रम मनहास जी, ताकि किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पर खराब ना हो और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन रखा जाए। मीडिया को भी यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि जो घर वाले हैं उन्हें भी यहाँ से बाहर निकाला गया है ताकि कोई भी किस तरह का नुकसान यहाँ पर ना हो, कोई भी किस तरह का जो हल्ला गुल्ला है वो यहाँ पर ना देखने को मिले। पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि हालांकि पुलिस यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए है और जिसकी तरफ से हम आपके साथ में कर रहे हैं देख सकते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ के लोकल्स लोग अभी यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अब फिलहाल इतनी ही तोड़फोड़ यहाँ पर की जाए और एक बड़ी कार्रवाई है जो कि इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। जनता इस वीडियो को लेकर अपनी अपनी राय जो है वो कमेंट्स में जरूर साझा करे। इस ड्राइव को लेकर बड़ा एक्शन इस समय जो है वो जम्मू के बठिंडी सुजवा जलालाबाद में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जम्मू में बुलडोजर बाबा की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है, लेकिन शुरुआत इस समय आप देख सकते हैं जम्मू के बठिंडी के सुजवा के अंदर जो एक जलालाबाद का इलाका है वहां पर देखने को मिल रही है और जिसमें बड़े पैमाने पर इस समय यहां पर बुलडोजर जो है वो चल रहा है। जम्मू के सुजवा से समय की ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ी जो ड्राइव है डिमोलिशन इस समय यहाँ पर चल रही है।
चला जा रहा है, पीला पंजा इस समय यहाँ पर चलता हुआ। हालांकि कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आई थी उसको लेकर यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर पहुंची है और एक बड़ी पैमाने पर इस समय जो है इस घर को गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस के हवाले से बात करें तो शन्नी थाने के थानेदार इंस्पेक्टर शरीक जी यहां पर हैं। महिला पुलिस कर्मियों की मदद यहां पर ली गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर मेंटेन रखा जाए और आज की जो ड्राइव का मकसद है वो यहां पर पूरा किया जा सके। तो आप सब लोगों से कहेंगे कि जनाब अगर आप भी कहीं पर इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसके आपके पास कागजात ना हो या फिर सरकारी ज़मीन हो, फॉरेस्ट लैंड हो, तो आप पर ये कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर फिलहाल ये तस्वीरें आपको देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जिस युवक का घर है वो भी यहाँ पर है और काफी ज्यादा तादाद में पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है और जो ड्राइव का मकसद था वो फिलहाल पूरा किया गया है। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती यहाँ पर की गई थी ताकि कोई भी किस तरह के हालात यहाँ पर खराब ना हो, लेकिन फिलहाल अभी भी आप देख सकते हैं कि दो जो बुलडोजर्स हैं वो यहाँ पर हैं और लगातार अभी भी यहाँ पर ड्राइव जो है वो यहाँ पर चल रही है। जॉब है और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये डिमोलिशन चल रही है, अगर आप इस तरीके का मामला आपके साथ है तो फिलहाल आप लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर दे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रवसन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।